तो चलिए बड़ी खबर का रुख रायपुर से करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। अब से कुछ देर बाद वो जगदलपुर के दौरे के लिए रवाना होंगे। दंतेवाड़ा के दंगल में एक बार फिर से जान फूंकने की तैयारी में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा के समर्थन में करेंगे चुनावी प्रचार। चुनाव प्रचार प्रसार 21 सितंबर को शाम को यहाँ पर थम जाएगा प्रचार प्रसार। 23 सितंबर को दंतेवाड़ा में चुनाव होना है। हेमंत शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद दंतेवाड़ा के लिए रवाना होने वाले हैं, कितना खास ये दौरा? देखिए, 23 सितंबर को दंतेवाड़ा का उपचुनाव होना है, ऐसे में दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला भाजपा की तेजस्वी मंडावी और कांग्रेस की देवती कर्मा के बीच होगा। पिछले दो दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और जो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक वो वहां पर दंतेवाड़ा में जमे हुए हैं और लगातार भाजपा के पक्ष में वो तेजस्वी मंडावी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दो दिन पहले वहां पर गए थे, कई जनसभाओं को संबोधित उन्होंने किया था और आज करीब 2 बजे के आसपास वो सीधे स्टेशन से जगदलपुर के रवाना होंगे, वहां से फिर दंतेवाड़ा जाएंगे। दंतेवाड़ा में 2 आम सभा आज वो करेंगे, उसके बाद 2 जगहों पर गीतम और बचेली, 2 जगहों पर उनका जो रोड शो होगा और एक तरीके से ज्योति कर्मा के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आएंगे। उसी तरीके से आज ताकत झोंकते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे, क्योंकि 21 सितंबर यानी कल शाम को जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तो कल चुनाव प्रचार थमने के बाद ही जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो वापस रायपुर लौट आएंगे। बिल्कुल हेमंत, क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कौन सा कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सहानुभूति लहर है वो भीमा मंडावी जो है उनकी वाइफ के प्रति ज्यादा है, तो क्या लगता है क्षेत्रीय जनता किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस दिख रही है? देखिए, बात तो एकदम सही है कि भाजपा सहानुभूति वोट पटोने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे दूसरी ओर भी देखा जाए तो महेंद्र कर्मा की बात की जाए, महेंद्र कर्मा की पत्नी ज्योति कर्मा मैदान में है और झीरम हमले में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की भी हत्या वहां पर की गई थी। तो न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस भी सहानुभूति वोट पटोने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखा जाए जो मुख्य मुद्दे हैं विकास के वो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं और सिर्फ संवेदना और सहानुभूति को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यही तो देश की विडंबना है कि सहानुभूति और संवेदनाओं के आधार पर ही लोगों की भावनाओं के साथ खेल कर ही यहाँ पे चुनाव होते हैं और जीते जाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए।